भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली कहे जाने वाले महावन इलाके में रमनरेती स्थित काशनी गुरु शरणानंद महाराज के आश्रम में वार्षिक होली महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें इस बार कोरोना का कहर साफ देखने को मिला, क्योंकि जहां हर वर्ष होली महोत्सव के दौरान भक्तों के साथ संत भगवान रमन बिहारी जी रंग गुलाल के साथ प्रेम की होली खेला करते थे, मगर इस बार यहां भक्तों को सिर्फ फूलों की होली के ही दर्शन देखने को मिले, जिससे यहां भक्तों की रंगीली होली खेलने की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। भगवान भी सिर्फ अपने ही भक्तों के साथ फूलों की होली खेलकर सबको आशीर्वाद रूपी रंग बरसाते हुए नजर आए। रमनरेती होली महोत्सव की शुरुआत परम संत काशनी गुरु शरणानंद महाराज के द्वारा भगवान राधा कृष्ण के पूजन और आरती के साथ हुई, जिसके बाद यहां रास मंडल के कलाकारों द्वारा बड़े ही सुंदर सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। खेले पोषण जो भाग फूटे समय जो आके भाग तेरी नाशका की नथनी में नाय कछु सार है तेरे होठ हनुमान कैसे पाम पहलवान कैसे नारी नहीं तू तो नरसिंह अवतार। जिसके बाद राधा कृष्ण के स्वरूपों के द्वारा बड़ा ही मनोहारी मयूर नृत्य देखने को मिला। इस उत्सव में आए हजारों भक्त मंत्रमुग्ध हो गए, जहां सभी ने जोरदारी के साथ राधा कृष्ण की जय जयकार के साथ तालियों के साथ मयूर भगवान जी की जय जयकार की, जिसके बाद फिर मंच पर राधा की सखियों और कृष्ण के सखाओं के बीच जबरदस्त हंसी ठिठोली देखने को मिली। जहां कई प्रकार की लीलाओं के साथ होली के रसिया गायन के साथ प्रेम के रंगों से सराबोर होली देखने को मिली, जिसमें कृष्ण के साथियों ने सखियों के साथ फूलों और लड्डुओं से होली खेली। इस दौरान सभी भक्तों पर जमकर फूल और लड्डू बरसाए गए, जिसमें भक्तों ने भी खूब जमकर इस होली का आनंद लिया, जिसके बाद संतों ने खूब होली खेली और खुद को आज इस होली के महोत्सव में डुबो दिया। वहीं आज सारे साधु संतों ने आचार विचार को भूलकर जमकर होली खेली। किस तरह से आनंद रहा है और किस तरह से? अब ये आनंद तो माय डियर तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा, मैं क्या वर्णन करूं? ये तो शब्दातीत आनंद है, रस है, श्री कृष्ण का नाम है रस। रसो वैसा ये वेद में आया है, ब्रह्म को रस कहा है, परम तत्व को रस कहा है, तंत्र शास्त्र में भी रस रूप कहा गया है परम तत्व को। हम में वो रस तत्व सब में विद्यमान है, सब में विद्यमान है, लेकिन वो आवृत है, आवृत माने ढका हुआ है। वो किस तरह से अनावृत हो, अनावृत हो माने खुले, और फिर हमको आनंद या रस कहीं और से लाना नहीं है, वो हमारा स्वरूप ही है, हम में है। तो यहाँ संतों के आशीर्वाद से, ठाकुर जी के लीला दर्शन से, कीर्तन करने से, जितनी देर के लिए भी सही, वो आवरण निवृत्त हुआ, और जब आवरण निवृत्त हुआ तो हमारा जो रस रूप है अपने आप प्रकट हो गया। हमको कहीं से इम्पोर्ट या लाना नहीं पड़ा, किसी ने डाला नहीं, और जब वो आनंद का उद्रेक जागृत होता है तो माय डियर फिर हमको नाचना पड़ता नहीं है, हमारी चाल अपने आप नाच हो जाती है, हमको गाना नहीं पड़ता है, जो कुछ भी हम कहते हैं वो सबका सब आनंद रूप हो जाता है, कविता रूप हो जाता है, हमारी प्रत्येक क्रिया कृष्णमयी होके रस रूपिणी हो जाती है। भगवान सबको अपना रंग प्रदान करते हैं, भगवत रंग कहो या अनुराग कहो, अनुराग माने राग माने रंग रंजन, अनुरक्त करते हैं माने रक्तिम या अपने रंग में हमको रंग लेते हैं,
या हम और वो एक रंग में सराबोर हो जाते हैं। हमारे वेदांत वाले इसको अद्वैत कहेंगे और हम लोग इसको भगवान के साथ तद्रूप हो जाना कहेंगे। शुरू शुरू में तदीयता माने एक कृष्ण है जिसमें ये गुण है वो होता है। जब कन्हैया सामने आ गए, उनकी लीला हमने देखी तो हो गया, अरे हम तदीयता माने हम तो तुम्हारे हैं, तुम हमारे हम तुम्हारे। और जब रंग पढ़ के एक हो गया तो मदीयता माने कृष्ण तो मेरा है, मैं कृष्ण हूँ। और यही अभेदानुभूति परमानंद की अनुभूति है। होली में हमको यही प्राप्त करनी है। सभी आपके दर्शकों को अनुरक्त हों, अनुरंजित हों, भगवान का रंग आपके ऊपर बरसे, आपकी आँखें कृष्ण का रंग देखें, आपके कान कृष्ण का नाम सुने, जहाँ भी कोई स्पर्श करे कृष्ण रूप हों। माने हमारी समस्त क्रियाएं, ये योग जंगल में या गुफा में बैठ के करने वाला नहीं है, खेत में भी हो सकता है और सीमा पर भी हो सकता है, चूल्हे में भी हो सकता है और चौकी में भी हो सकता है, विद्यालय में भी हो सकता है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ ये योग नहीं हो सकता है। इस योग के लिए केवल एक आवश्यकता है, कृष्ण के साथ युक्त अनुभव करो। युक्त तो हो ही, लेकिन उससे जो वियुक्त की अनुभूति है, जो तुमको दुखी कर रही है, वो दूर हो जाए। जैसे ही तुम युक्त होगे, वैसे ही मदीयता का भाव आ जाएगा, तुम्हारी समस्त क्रिया योग हो जाएगी। मेरा नाम नीलम है, कहाँ से आई हैं? गाजियाबाद। आप साधु संतों के साथ होली खेलने कैसे? हाँ, बहुत अच्छा लगा। हम मेरे पापा मम्मी तो एक हफ्ते के आए हुए हैं, हम लोग कल से आए हैं। यहाँ पे साक्षात ठाकुर जी का स्वरूप है, अगर महसूस करो तो दिव्य लता पताओं में भी उनका रूप है। कहीं मथुरा जैसी होली कहीं आपको? नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे साक्षात स्वरूप है। ब्रज की होली फूलों वाली होती है, आनंद में, और वास रमण बिहारी का साक्षात रूप दिखता है, महाराज जी का आशीर्वाद। और जहाँ गुरु महाराज का रूप हो तो वहाँ तो सब कुछ ही है, अद्भुत प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे सब विद्यमान है। ठाकुर जी की शुरुआत भी यही महाराज जी के साथ ही होती है। लठमार होली, लड्डू होली, रंगों की होली, टेसू के फूल की होली हमेशा होती है, पर इस साल कोरोना की वजह से हम वो होली नहीं खेल के हम फूलों की होली के साथ आनंद ले रहे हैं। सभी को जय श्री कृष्ण। और ठाकुर जी से इतना प्रेम है कि कोरोना तो भूल ही गए कि कोरोना चल रहा है, और बहुत ही आनंद आया। पहली बार मेरी यहाँ पे रमण रेती में होली है और बहुत ही आनंद का अनुभव कर रहे हैं। फूलों की होली खेली और बहुत ही अच्छा लगा।